that India has basically avoided a big regime change on yes. slot on Bharat. Yes. How true yes. or false? What are the points that we see into it? True. पूरे शिद्दत और मेहनत और पैसों के साथ इन्होंने कोशिश की है, पूरे शिद्दत मेहनत और पैसों के साथ रेजिम चेंज की कोशिश की, लेकिन ये भूल गए कि भारत जब बांग्लादेश के साथ खड़ा था, इन्होंने इसी तरह शिद्दत से रेजिम चेंज की कोशिश की, भारत के कारण वहां रेजिम चेंज नहीं हो पाया, तो कैसे सोच लिया कि भारत में कर लोगे। हाँ ठीक है, हमारे हिंदुस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, बट दैट डजंट मीन यू विल बी एबल टू अचीव दैट, इट्स फेल्ड, क्योंकि जो मुखौटा आपने सामने रखा था वो पहले लोगों को पता था कि ये बिक चुके हैं, इन्होंने अपनी जमीर बेच दी है। तो कुछ लोग हैं जो पैसों के खातिर उनको वोट कर दिया, अब वो कतार पे खड़े कार्ड लेके कि पैसे दो। सर इस रिजीम चेंज में, सर मैं ये वाला पोर्शन अलग से निकालूंगी 10 मिनट या 8 मिनट का, इस रिजीम चेंज में कौन कौन सी फोर्सेस थी, अगर हम सिर्फ नेम कर सकें और कंट्रीज के नाम प्रॉब्ली ले। एक तो यूएसए के आई वुड से मोर देन हाफ ऑफ योर स्टेट डिपार्टमेंट, क्वाइट अ साइजेबल चंक ऑफ सीआईए, आप इनको ले लो कैनेडा, जसविंदर सिंह ट्रूडो तो पूरा खोल खोल के खालिस्तानियों को साथ खड़ा था, यूके में भी काफी है लेबर वाले भी जो खालिस्तानियों और मुस्लिम्स के साथ खड़े हुए हैं, देन फ्रांस में एक दो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे निकल के आया है, जर्मनी के थ्रू काफी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका तो जर्मन कॉकरोच नाम दिया हुआ है उसको, राठी को, तो वो वहीं पर बैठा हुआ है जहां से सारा कुछ कर रहा है। सरप्राइज सरप्राइज इजराइल में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे थे, लुक एट द मीडिया रिपोर्टिंग इन सीएनएन, इन वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स। द प्रॉब्लम इज अगर आपका इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा था ना तो ये नैरेटिव्स चल जाते, लोग समझ जाते, नैरेटिव चल जाता। जब आप जो नैरेटिव बना रहे हो वो ही फेक है, कितना चलेगा? सो इसीलिए शुरू में नैरेटिव बाजी थी, उसके बाद फिर गारंटी कार्ड शुरू हो गए कि भाई पैसों का लालच दो, अब वो उनको उल्टा पड़ रहा है क्योंकि लोग अब वहां घेराव कर रहे हैं, उनके ऑफिस जा रहे हैं कि भाई हमें तो कार्ड मिला था, हमने वोट किया था तो कार्ड मिला, अब हमें पैसे दो, पैसे कहां से लाएगा? सो नाउ दैट अभी वो चला गया है केस टू द राष्ट्रपति एंड द अपना ईसीआई, एंड इट विल सून रीच सुप्रीम कोर्ट बिकॉज दिस इज ब्राइबरी। सी अगर मैं स्पीच में बोलता हूं कि मैं ये दे रहा हूं वो बात अलग है, तो यू कैन से कि भाई इलेक्शन में जोश में मैंने बोल दिया, गिविंग अ साइंड कार्ड इज वेरी डिफरेंट कि भाई 8,500 अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ को 1,00,000 में दूंगा महीने का, साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड पप्पू मींस टोटली डिफरेंट। आप तो साइन करके, दैट्स अ डॉक्यूमेंट, then it becomes a documentary evidence of attempt to bribe for votes. तो अपना उधर पे हुआ था जब नरसिम्हा राव जी का केस हुआ था, नोट्स फॉर वोट स्कैम, बट देन दे गॉट सेव्ड कि भाई पार्लियामेंट के अंदर जो होता है दैट पार्लियामेंट विल डिसाइड नॉट सुप्रीम कोर्ट, ये तो पार्लियामेंट के बाहर हुआ है, दिस इज एग्जैक्टली नोट्स फॉर वोट स्कैम। तो उनको ये डर अगेन आएगा कि भारतीय न्याय संहिता के अगेंस्ट मैं तो फंस जाऊंगा बुरी तरह से, इसका तो मिनिमम 2 ईयर्स है। तो इसने 2-3 बोले थे, विमेन को अलग, इनको अलग, उनको अलग, वो अलग अलग केस लेके जोड़ दिया तो 6 साल हो गए। सो दैट इज द प्रॉब्लम, शिद्दत से किया लेकिन दिमाग लगा के नहीं किया।
उन्होंने सोचा ये ओल्ड इंडिया हिंदुस्तान है, पैसा फेंको और नजारा देखो। वो बात हुई कुछ हद तक, आई डोंट से कि दे वर नॉट सक्सेसफुल, कुछ हद तक सक्सेस मिला बट डेंट कर ले गए कुछ हद तक, पर उसमें बीजेपी की भी गलती थी, उनके ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था उनकी, जो जैसे मैं अगर यूपी की बात करूं तो क्या हो गया था कि योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ग्राउंड पर क्यों जाएं, ब्लॉक लेवल और प्रमुख और ये जो प्रमुख लेवल लोग होते हैं ये लोग गए ही नहीं जमीन पर। वो थी कि हमारे पास दो बार कैंपेनर्स निकाल लेंगे। मैंने तो एक चैनल में शायद आपके चैनल में बताया था जब यहाँ गया था वोटिंग के लिए, मुझे तो बीजेपी का कार्यकर्ता मिला ही नहीं बूथ, कोई बूथ पे था ही नहीं। तो अगर किसी वोटर को कोई दिक्कत है आपके पास किसके पास जाए? AIADMK के भी नहीं दिखे, DMK के थे वहां पे, बट बीजेपी का कोई नहीं था। तो वो जो पहले दो इसमें बूथ मैनेजमेंट और ये सब होता था, कुछ नहीं हुआ। राइट तो सर, एक तो हो गया आपने कंट्रीज का नाम लिया, जैसे आपने बताया यूके, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इज़राइल, चाइना, तो ये तो कंट्रीज हो गई, राइट। एक है लॉबीज, क्योंकि ये जो लॉबीज है ये पैन वर्ल्ड होती है, इनका कोई कंट्री नहीं है, दे आर पीपल विदाउट। इसमें कौन कौन सी लॉबीज? फार्मा, ऑयल, आर्म्स, ये ट्रेड, कार्गो। नहीं, कार्गो का उतना नहीं है, मेन इज आर्म्स, ऑयल एंड फार्म। ये लॉबी जो कंज्यूमर गुड्स वाली होती है, जैसे अमेज़न वाली कंपनीज हो गई, उस टाइप की, उतना उनका उतना नहीं था, क्योंकि दे स्टिल हैव देयर मार्केट इन इंडिया, वेदर व्हिच एवर कंपनी गवर्नमेंट कम्स, अमेज़न डजंट गेट अफेक्टेड बिकॉज उनका तो चलता रहता है धंधा, उनका सेट है पूरा पैन इंडिया, सो दे आर नॉट अफेक्टेड। बट आर्म्स लॉबी गेट्स अफेक्टेड बिकॉज वेन यू मेक आत्मनिर्भरता देन कॉस्ट ऑफ वेपन मेड इन इंडिया बिकम्स चीपर फॉर यू देन इफ यू मेकिंग देयर एंड यू आर इम्पोर्टिंग, सो द मनी दैट ही मेक्स ही कांट मेक, सो दैट बिकम्स एन इश्यू फॉर फार्मा, बिकॉज यू आर अ बिग फार्मा सेटअप दैट यू हैव, सो यू डोंट लिसन टू दोस एमएनसीज, you have your own pharma and you are providing to the global south, so they feel ki agar regime change kar denge to naye regime ko hum pakad ke, main I won't say as much regime change, they were more keen ki regime change hota hai to that is aim plus, otherwise he should have a similar coalition like NDA1, UPA1, UPA2, matlab 200 ke aas paas hi seat unstable type. Then you are totally dependent on the other parties and then through them you can manipulate. वो हुआ नहीं, so basically escaped that. वो हुआ नहीं आपकी बात। And you oil, because you are pushing for green energy. Right. अभी जैसे you have become part of that methanol based fuel. Then electric vehicles, hybrid vehicles, India में बहुत hybrid vehicles दिखते हैं, solar power, you're one of the leaders in solar power, so your fossil fuel requirements, I don't say will become zero, it reduces a lot, and since you are the champion of international solar group and renewable energies and सारा कुछ push कर रहे हो, they are looking at how to, and you're looking at आत्मनिर्भरता in this. The previous government had killed your solar industry. Here in these 10 years, you have revived your solar industry back. So that is why they are looking at.